सीधी जिले के सिहाबल तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत घोपारी की रोड की हालत अत्यधिक खराब है। समस्या से जूझ रहे ग्रामीण आम जन आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं बन पाई यह रोड। देखते देखते तरस गई आंखें, नहीं हुई रोड नसीब। बारिश के दिनों में बच्चों को कंधे पे रखकर माता पिता पहुंचाते हैं विद्यालय। दो पंचायत की सीमा पर फंसी रोड नहीं है। किसी प्रकार की शासन प्रशासन की निगाह यहां तक जन प्रतिनिधि भी नहीं समझ पाए। अपनी जिम्मेदारी खाली 5 वर्षों में वोट की तलाश किया करते हैं। आपको बता दें कि रोड की हालत इतनी खराब हो गई है कि गाड़ियों से नहीं बल्कि पैदल चलने में मुश्किल हो रहा है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन, शासन प्रशासन या जनता? सर आपका क्या नाम है? अंजन कुमार मिश्रा। आप किस ग्राम पंचायत या किस जिले से आप वो करते हैं? यहाँ आपका ग्राम पंचायत किस ग्राम पर, गुप्सा या घोपारी, किस ग्राम पंचायत में आपका निवास स्थान है? सर हमारा घोपारी में हमारा निवास है, लेकिन हमारा रास्ता जो है दो पंचायत से, उक्सा से और घोपारी से है। लेकिन उक्सा पंचायत में और घोपारी पंचायत में दोनों में एक ही दशा ही है, कोई सुनने वाला यहाँ पर है नहीं। ये रोड, ये सड़क कहाँ से कहाँ तक पहुँच मार्ग है? कहाँ से कहाँ तक पहुँच मार्ग है ये? यहाँ से मतलब के 500 मीटर की रेंज पे है, दोनों आधे हाथ पर हैं, घोपारी और उक्सा के बीच में। तो न घोपारी वाले सुने, पंचायत वाले सरपंच और न उक्सा के। जी सर, सही बात है। जी जी, मैंने कई बार मैंने रिपोर्ट की है, कई बार मतलब उनको कहा दिखाया, लेकिन कोई सुनाई नहीं किया। क्या नाम है आपका सर? जी सर, मेरा नाम मोतमा मिश्रा है। ग्राम घोपारी है। घोपारी जी। अच्छा, ये ग्राम पंचायत घोपारी? जी जी, घोपारी। किस तरह से इस रोड में या आप लोगों के आवागमन के रास्ते में किस तरह से अपना ये रास्ते को पाते हैं? जी सर, हमारी जो रोड 200-300 मीटर है, यहाँ से बहुत कठिनाइयों का सामना करके हम लोग यहाँ पार करते हैं इस रोड को। छोटे छोटे बच्चे हैं, विद्यालय जाने में बहुत परेशानी आती है। हम स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाते हैं, बहुत परेशानी आती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे थे तो माँ बाप लोग हमें कंधों से लेकर पार कराते थे। आज का ये रोड नहीं है, आज 35 सालों का ऐसा ही है सर, 35 सालों से ऐसा रोड है। कोई मदद नहीं मिल रहा है, ना पंचायत से मिल रहा है, ना विधायक से मिल रहा है, ना संसद से मिल रहा है। किसी से कोई मदद नहीं मिल रहा है सर।